हेलो, दिस इज सी अश्विनी रस्तोगी। जीएसटी में रियल एस्टेट सेक्टर में बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हैं, जिसमें अफोर्डेबल हाउसिंग पे 1% विदाउट आईटीसी एंड 5% अगर वो अफोर्डेबल हाउसिंग नहीं है। यहाँ अफोर्डेबल हाउसिंग को भी डिफाइन किया गया है। अगर मेट्रोपॉलिटन सिटी जो कि दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलोर, दिल्ली एनसीआर में, गुड़गांव, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद भी इंक्लूड है, 60 मीटर तक का कारपेट एरिया का फ्लैट है और 45 लाख रुपए तक की कीमत है, तब 1% विदाउट आईटीसी जीएसटी लगेगा। अगर नॉन पेट्रोपिलियन सिटी है तो उसमें 90 मीटर 45 लाख रुपीज तक का है तो वहां पर भी 1% रहेगा, और अगर 45 लाख से ऊपर हो जाता है या 60 मीटर इससे भी ऊपर हो जाता है या 90 मीटर से ऊपर हो जाता है तो ये अफोर्डेबल हाउसिंग की कैटेगरी में नहीं आएगा और इस पे 5% विदाउट आईटीसी जीएसटी लगेगा। ये बात ध्यान रखने योग्य है कि यहाँ पर ये स्कीम 1 अप्रैल से लागू होगी। अभी पूरी स्कीम आई नहीं है, डिटेल स्कीम आएगी। अभी केवल जीएसटी काउंसिल की ये रिकमेंडेशन, रिकमेंडेशन का मतलब ये नहीं है कि आज से टैक्स लग गया। आज की डेट में जो 12% टैक्स लग रहा है विद आईटीसी वो सेम रहेगा 31 मार्च तक, उसके बाद ये 1% और 5% की कैटेगरी में टैक्स लगेगा विदाउट आईटीसी। और कॉमर्शियल के लिए जैसे पहले से क्या था, वैल्यू जो टोटल वैल्यू थी, जैसे 1 करोड़ 20 लाख कोई फ्लैट है उसमें 1/3 हम नोशनल वैल्यू लैंड की मान लेते थे, तो उसमें बाकी का जो 80 लाख है उस पर 18% टैक्स लगता है। तो कहें तो इफेक्टिव रेट 18% से 1/3 लैंड की वैल्यू का कम करके 12% आता है, तो 1 करोड़ 20 लाख पे 12% टैक्स लगता है। सेम वे कॉमर्शियल पे भी 12% रहेगा और इसमें कॉमर्शियल में कोई रिलैक्सेशन नहीं दिया गया है। साथ में ये कहा गया है जो डेवलपमेंट राइट ट्रांसफर करते हैं या कोई ज्वाइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट होता है तो उसको पहले इस पे जीएसटी एप्लीकेबल होता था, 31 मार्च तक है, बट इसको आगे एग्जेम्प्ट कर दिया है कि अगर कोई बिल्डर को कोई ओनर अपनी जो है लैंड देता है उसमें बोलता है कि जो है आप इसको डेवलप कीजिए, 4 फ्लैट में एक फ्लैट आप एज ए डेवलपमेंट राइट हम आपको दे देंगे और 3 फ्लैट हमारे हो जाएंगे, तो इसमें जो एक फ्लैट हम उसको दे रहे हैं बिल्डर को वो टैक्सेबल नहीं होगा जीएसटी की कैटेगरी में, ये रिलैक्सेशन है। एक इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट ये है कि ये 31 मार्च पे हमें कैलकुलेशन करनी होगी कि जीएसटी रिवर्स करना है कि नहीं करना है। बेसिकली क्या है कि यहाँ पर टैक्सेबल सप्लाई से एग्जेम्प्टेड सप्लाई नहीं हो रही। यहाँ पर पहले 12% विदाउट आईटीसी था, अब 1% और 5% विद आईटीसी है, विदाउट आईटीसी है, तो इसमें रिवर्सल ऑफ आईटीसी नहीं होगा, आईटीसी का रिवर्सल नहीं करना है, बट कैलकुलेशन उसका डिफरेंट होगी, डिफरेंट सिनेरियो बन जाएंगे कि जो है पहले क्या था कि कितना। अभी क्योंकि स्कीम जब आएगी तो इसमें ज़्यादा क्लैरिटी आएगी कि जो है उसमें कितना टैक्स लगता है। जैसा कि बिल्डर्स अदर चार्जेस के रूप में बहुत चार्जेस लेते हैं कि प्रेफरेंशियल लोकेशन चार्जेस हैं, जैसे जैसे फ्लैट ग्राउंड फ्लोर का होता है, अपर फर्स्ट फ्लोर का होता है तो उसमें पार्क फेसिंग या लोअर फ्लोर की पीएलसी लेते हैं और टॉप फ्लोर में भी लेते हैं, तो इस टाइप के जो अदर चार्जेस होते हैं पीएलसी या पार्क फेसिंग या कार पार्किंग चार्जेस, तो इसमें भी सेम रेट टैक्स होना चाहिए, क्योंकि जैसे वो फ्लैट है उस लोकेशन पे है वैसे ही बिल्डर उसके अकॉर्डिंग चार्जेस ले रहा है, तो जो पीएलसी इस टाइप की जो चार्जेस हैं वो भी 1% 5% विदाउट आईटीसी एंड इन प्रेजेंट सिनेरियो 12% विद आईटीसी टैक्स सेम रेट पे लगेगा। ये स्कीम आने से एंटी प्रॉफिटेयरिंग रूल्स नो मोर रिक्वायर्ड, क्योंकि अभी क्या होता है कि बिल्डर जो आईटीसी ले रहा है सीमेंट, स्टील और डिफरेंट टाइप ऑफ परचेजिंग रॉ मटेरियल, तो उसमें ये रहता था कि उसका जो है उसने आईटीसी का क्रेडिट बेनिफिट पास ऑन किया है कि नहीं किया है कस्टमर को, तो कस्टमर पे राइट है कि वो एंटी प्रॉफिटिंग में
रिपोर्ट कर सकता है कि ये जो है मेरे को राइट पास ऑन नहीं किया, या जो है बिल्डर ने उसकी कॉस्ट ज़्यादा बढ़ाई भी है। तो इस केस में वहाँ पर बिल्डर जो है को अब आगे, क्योंकि ITC लगी नहीं रहा, वो बेनिफिट ले ही नहीं रहा ITC का, उसे सिंपल 1% और 5% की टैक्सेबिलिटी पे GST देना है इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल। तो इस केस में एंटी प्रॉफिटिंग रूल्स नो मोर रिक्वायर्ड। सो थैंक यू।